गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर गया पार्क में, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो गाइस हम लोग निकलते हैं अब जल्दी से, घर पहुँचने में हमें 15-20 मिनट लगे, ऐसा ना लगता भीग जाए। कैसे हो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। काफ़ी टाइम के बाद हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। क्या है गाइस, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, आज हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है। अभी तक आपने देखा होगा कि इस साल बारिश इतनी अच्छी नहीं हो रही है, बट हमारे यहाँ तो और भी कम हो रही है। इस बार तो ऐसी बारिश हुई है जैसे कि बादल सब फट सा गया हो। तो आज मैं और अभय घूमने आए हैं पार्क में, ये आप देख सकते हैं। वैसे तो हम लोग सुबह सुबह आ जाते हैं, पर आज बारिश हुई है 8 बजे तक और अब रुकी है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर गया पार्क में, चारों तरफ पानी ही पानी है, पर ग्रीनरी भी बहुत हो गई है। ये देखो आप, और इसके साथ साथ आप ये देखो, इस तरीके की जो सेल है ना, हमें बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पार्क में दिखाई दे रहे हैं ये। फिलहाल तो ये क्या कहते हैं अभी इनको, स्नेल। फिलहाल तो ये अभी अंदर घुस रहा था, वरना तो बहुत सारे जो कि अभी बाहर निकल के चल रहे हैं। अभी और भी है ना आगे, चले गए आगे भी देखते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखो गाइस दूसरा सेल, इसके अंदर भी तो गाइज इस समय अब हमें घूमते हुए 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे, पर बारिश आ चुकी है। ये देखो कितना सारा पानी भर रखा है यहाँ पे। तो अब हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी निकलने का, क्योंकि बारिश आएगी तो बहुत तेज आएगी, बहुत खतरनाक मौसम हो रखा है। देखिए गाइज तो बारिश शुरू हो चुकी है, और ये देखो कितना खतरनाक मौसम है, अगर बारिश आएगी ना तो बहुत तेज आएगी। तो गाइस हम लोग निकलते हैं अब जल्दी से, घर पहुंचने में हमें 15-20 मिनट लगे, ऐसा ना लगता भीग जाए। सो गाइस घर तो पहुंच गया बट भीग गया, आप देख रहे हो टी शर्ट मेरी गीली हो गई है, और उस समय बारिश बहुत तेज हो गई थी, पर मौसम ऐसा है ना तो घर आना ही ज़्यादा सही समझा, क्योंकि अगर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो लगभग चलती आधे एक घंटे तक। हाँ भाई लोगों क्या हो रहा है, ये देखो अब है भी भीग गया, टी शर्ट भीग गई इसकी। हाँ कुछ बनाने बनाने का है खाने पीने का नहीं, क्यों छुट्टी पे हूँ भाई, अगर तू छुट्टी पर आएगी तो हम लोगों का कैसे चलेगा, रेस्टोरेंट बहुत है तो आज संडे है, पैसे दो पैसे, मेरे पास तो वैसे ही नहीं है। बट अब है कि फरमाइश है वेजिटेबल सैंडविच, हम तो नहीं बना रहे, जिसको बनाना वो बनाओ और खाओ और खिलाओ, कोई बात नहीं, पहले आलू के पराठे फिर दोपहर को वेजिटेबल सैंडविच, मेरे से कुछ नहीं बनेगा। वैसे गाइस एक बात है, ये बोलते जरूर है पर बना देती है फिर, लेकिन हम गाइस नहीं बनाएंगे, बोलते जरूर पे बना देती है, नहीं बनाऊंगी। मैक्सिमम बार ऐसा हुआ है कि मना कर देती है और फिर बनाती है, तो देखना अभी बनाएगी तब आपको दिखाएंगे। तो गाइस देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, वो पानी यहाँ तक आया तो हमने पैदल यहाँ पे कर दिया है, और सोच रहे थे कि पकौड़े बनेंगे पर वो कैंसिल हो गया है। तो देखिए अब यहाँ पे आलू के पराठे बन रहे हैं, और मम्मा का तो यही रहता है हमेशा, जब बनाएंगी ना पापा को बैठा देंगे बगल में, लो आओ भरो, हम भी नहीं भरते,
पर जाते हैं। आलू के पराठे खाओ तो कुछ तो करो। सही बात है, हमेशा वो कुछ ना कुछ करते हैं। सिर्फ आलू की लोई भरते हैं, मेन काम तो वही होता है ना, वरना फिर तो बस आलू के पराठे अच्छे अच्छे खाने हैं तो फिर लोई भरो अच्छी अच्छी। अच्छा, हम बेल के सेक कर देते हैं। जरूरी है, बेचारे पापा। सो ये देखिए गाइस, अबे खा रहा है पराठा और ये ज्यादातर सौरव जोशी की ब्लॉग देखता है। आप देख रहे हो कुनाली है जो कि कार चला रहा है, ये इसी तरह के वीडियो देखता है सौरव जोशी की ज्यादातर। सो गाइस, हमारे पराठे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पराठे बनाए हैं। और ये अचार है और ये देसी घी जो कि खाएंगे। और इस समय बारिश हो रही तो गाइस इसका खाने का बहुत ही मज़ा। अब है तो ऑलरेडी खा रहा है तो मैं भी जल्दी से ख़त्म करता हूँ और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारे साथ हो चुका है पोपट, क्योंकि बारिश इतनी हो चुकी है, लेकिन हमारा अचानक से प्लान बन चुका था कि हम लोग जाएंगे रेड फोर्ट। अब बारिश इतनी हो रुकी, क्या पता वो वहाँ पे बंद कर दिया उन लोगों ने, है ना। तो फिर न्यूज़ में भी अलर्ट आ चुका है कि बारिश बहुत होने वाली है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर बाद में कहीं चलेंगे थोड़े दिनों के बाद, जब बारिश वारिश बंद हो जाएगी, जैसे कि सर्दियों के स्टार्टिंग में, तब चलेंगे। तो अब मैं व्लॉग को अपने एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।